ये उन दिनों की बात है जब मैं नया नया यूनिवर्सिटी आया था। लड़के लड़कियों का एक साथ पढ़ना और रहना मेरे लिए नई बात थी, क्योंकि गांव में इस चीज का हम सोच भी नहीं सकते थे। गांव में तो बापर्दा माहौल था और बेटे बेटियों पर कड़ी नजर रखी जाती, कहीं वो अपने रास्ते से भटक ना जाए। सिर्फ कुरान मजीद की तालीम दी जाती, जो मोहल्ले की बुजुर्ग औरत लड़कियों को पढ़ाती, जिसे बीबी जी कहा जाता था। मेरे लिए ये सब नया था। लड़कियों के बन सवर कर आने से ऐसे मालूम होता जैसे यहाँ कोई शादी वलीमा की तकरीब होने वाली है। मुझे एडजस्ट करने में एक साल लग गया, यानी मेरा तीसरा सेमेस्टर शुरू हो चुका था। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक सीनियर से मुलाकात हुई तो बातों बातों में उन्होंने मुझे एक वाक्य सुनाया जो बहुत दिल खराश था। उसने बताया कि हमारी क्लास की एक लड़की थी, वो बहुत खूबसूरत और हयादार भी थी। वो हमेशा अपने काम से काम रखती, किसी लड़के से उसका कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन यूनिवर्सिटी के माहौल ने उसे बिल्कुल बदल कर रख दिया। उसकी क्लास फेलो से दोस्ती हो गई, उनका उठना बैठना क्लास लेना सब एक साथ होता था। गर्मियों के आयाम शुरू हुए तो लड़के ने लड़की से मर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। लड़के ने बहुत मिन्नतों और समाजतों के बाद लड़की को रजामंद कर लिया। उस वक्त फाइनल टर्म पेपर चल रहे थे तो लड़के ने लड़की से कहा, तुम्हारी फीस मैं पे कर देता हूँ, जो आपके घर से फीस आएगी पेपर्स के बाद हम मरी चले जाएंगे। लड़की उसकी चालों में आ गई और अपना फीस चालान उसके हाथ में थमा दिया। लड़के का दोस्त बैंक में कैशियर था, उसने मासूम लड़की को धोखा देने के लिए जाली स्टैंप लगाकर चालान लड़की को दिया। ये लो, आपकी फीस पे हो गई है। लड़की खुश हो गई। हुआ कुछ यूं कि लड़की की फीस पेपर्स होने से पहले आ गई तो उसने लड़के को दे दी और दोनों ने मरी की तैयारी शुरू कर दी। यहां से तो वो सिर्फ दोस्ती का मान रखते हुए अकेली जा रही थी, मगर उस लड़के ने चार दोस्तों को भी साथ मिला लिया। वो रातों रात हॉस्टल से निकली और उनके साथ रवाना हो गई। तीन चार दिन से घर रापता ना हुआ तो उसकी फैमिली बहुत परेशान हुई, क्योंकि उसका मोबाइल भी बंद जा रहा था। जब हॉस्टल से रापता किया गया तो मालूम हुआ कि वो घर जाने के बहाने से पांच दिनों से हॉस्टल से जा चुकी है। फैमिली में परेशानी की लहर दौड़ गई। दूसरी तरफ वो इज्जत का जनाजा निकलवाकर वापस आ गई। वापस आकर घर में ये कह दिया कि उसका मोबाइल खराब था और वो अपनी सहेली के घर लाहौर गई हुई थी। दो हफ्तों बाद फाइनल टर्म पेपर्स की डेटशीट भी आ गई थी। पहला पेपर था, एग्जामिनेशन इंचार्ज ने दौराने पेपर आकर फीस की अदम अदायगी पर उसे पेपर से उठा लिया। वो चीखती चिल्लाती रही, अपना फीस चालान भी दिखाया, मगर कुछ ना बन सका और उसे किसी पेपर में ना बैठने दिया गया। अब वो घर से दोबारा फीस भी नहीं मांग सकती थी। वो लड़के का गिरेबान पकड़कर बहुत रोई, मगर अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। उसके किसी मुखलिस रूममेट ने उसके घर में सारी हकीकत बताई तो उसके वालदैन धाड़े मारते यूनिवर्सिटी पहुंच गए। लड़की ने भी अपने किए पर पछतावा होते हुए सारी कहानी उगल दी। बात वाइस चांसलर तक पहुंच गई। वाइस चांसलर ने फौरन एक्शन लेते हुए लड़के के वालदैन को बुलवा लिया। वाइस चांसलर बहुत नेक इंसान था, वो इंसाफ करना चाहता था। उसने लड़के के वालदैन से कहा, आपके बेटे को इस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। वालदैन हक्का बक्का रह गए, लेकिन लड़के ने ये कहते हुए शादी से इनकार कर दिया कि इसकी तो इज्जत ही नहीं है, दोस्तों समेत मिलकर इज्जत लूटने वाला भला कैसे इसे अपना सकता था, कल दोस्त भी उसे ताने देते। वाइस चांसलर ने वही मौके पर दोनों के
बैड कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाकर हायर एजुकेशन कमीशन को भेजकर उनको हमेशा के लिए इबरतनाक बनाकर किस्सा तमाम कर दिया।